पिछले दो दिनों में जो मूसलाधार बारिश हुई है और तकरीबन पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो बदला गया जो है मौसम के कारण से, तो चुनौतियां दिल्ली यातायात पुलिस के लिए रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण से और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण से यातायात चलता रहे, ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। जितनी भी आपातकालीन सेवाएँ हैं वो बिना बाधा के चलती रहें, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो स्टाफ है दिल्ली यातायात पुलिस का, वो दो शिफ्ट में करीबन 3600 के आसपास लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया। साथ ही साथ जो हर एक पुलिस स्टेशन का भी स्टाफ जो है उनके सहयोग से ये प्रयास किया गया कि जहां पर भी जल भराव हो, जहां पर भी बारिश के कारण से यातायात में जो बाधा हो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके और यातायात एटलीस्ट चलता रहे, कि कहीं कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक बारिश के कारण से जो जाम है उसमें फंसा नहीं जाए। समय पर जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उसने जो भी सिविक एजेंसीज हैं चाहे NDMC हो, NCD हो, PWD हो, सभी को समय पर इस तरह की सूचना देने के कारण जो प्रयास हुआ ये हुआ कि सभी में सामंजस्य और एक टीम के तौर पर प्रयास किया गया कि जितना जल्दी हो सके जो ट्रैफिक का इशू है, यातायात में जो बाधा उत्पन्न हुई उसको दूर किया जा सके और ट्रैफिक चलता रहे।